हाय माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय अल्मीरा टॉवर। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट अभी क्या ना दिवाली है, सब अपने घर की अपने अल्मीरा की सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अभी का टाइम परफेक्ट रहेगा कि आप लोगों को भी कोई टिप्स मिल सके, आइडिया मिल सके कि आप कैसे अपने अल्मीरा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और कैसे मैं रखती हूँ, वो भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सो पहले हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर ये जो मेरा वार्डरोब है वो कहाँ से मैंने परचेज़ किया है। ये मैंने बाय किया है आइकिया से, आइकिया पैक्स वार्डरोब है। मैंने आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो शेयर किया था, आइकिया हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने एक वैनिटी मंगाई थी और एक ये वार्डरोब मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छी वार्डरोब आई है। ऑलमोस्ट मेरे को एक साल से ऊपर हो गया है, फिनिशिंग मतलब सब कुछ वैसा है, बट वाइट कलर में है तो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज है। सो इसका प्राइस एंड ऑल अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को जाके जरूर से एक बार देख लीजिएगा, लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी आज के वीडियो में हम इस अल्मीरा से अलग बात करेंगे कि इसको आपको कैसे सेट करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। सो प्रॉपरली मैं आपको पहले एक बार टूर दे देती हूँ, कुछ इस तरह से अल्मीरा है मेरी। और यस, जो आप ये वाली शेल्फ देख रहे हो ना दोनों, ये मैंने अलग से ली है, अलग से पे करके, जब हम अभी शायद 2 से 3 महीने पहले आइकिया गए थे तब, क्योंकि है ना इसके साथ ये वाली शेल्फ नहीं मिलती है जहाँ पे वाइट ट रखी है, सिर्फ ये पूरा हैंगर रखा था, तो मुझे नीड नहीं थी कि इतनी लंबा लंबा मैं कुछ हैंग करूं। मुझे लगा कि अगर यहाँ पे एक शेल्फ लगा दूंगी ना तो और अच्छी स्पेस हो जाएगी, तो इस अकॉर्डिंग ना हमने ये 2 एक्स्ट्रा ली थी। उनकी जो भी प्राइस रहेगी मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो ये कुछ इसका ओवरऑल लुक है। और ये जो आप इसकी पुल आउट बास्केट्स देख रहे हो ना, ये वाली, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मतलब इसको देखते ही मैंने इसको बाय किया था। दो थोड़ी सी प्राइस ही थी बट ये बास्केट्स मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रेस हुई ना मैं इससे कि यार मुझे लगा कि मुझे तो यही लेनी है। सो यस, ये हो चुकी हमारी ओवरऑल अल्मीरा की बात। इसके पास में एक और सेक्शन है इसका, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहले हम प्रॉपरली इसको देख लेते हैं कि इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और बाद में जो पास वाला एक सेक्शन है उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से मिल जाता है एक बड़ा सा लंबा सा हैंगर, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हो। अगर आपको अदर से आप शेल्फ नहीं मंगा रहे हो ना, तो यहाँ पे मैंने हैंग किए हैं अपने सारे इंडियन आउटफिट्स, जो भी हैवी सूट्स वगैरह हैं मेरे पास, जो एक होता है ना प्रॉपर पार्टी वेयर जो होते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर हैंग करके रखा है, क्योंकि उनको हम अगर अच्छे से समेट वगैरह के रखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्योर के हैं और हैवी पीसेज हैं, तो ऐसे हैंग करके रखते हो तो प्रॉपरली हैंग रहते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ साड़ीज़ भी अपनी साइड में हैंग की है, 4-5 साड़ीज़ है जो नॉर्मली लाइक जिनको पूजा वूजा में पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट यार नॉर्मली 2-3 साड़ीज़ मैंने से ऊपर ही रखी हुई है, ताकि कभी भी अगर पहनना हो किसी भी फंक्शन वगैरह में तो फटाफट से निकाल के पहन सको। एंड जितनी भी शेल्फ है ना उनकी डेप्थ काफ़ी अच्छी है, इतनी बड़ी बड़ी बास्केट रखने के बाद भी इतना स्पेस बाहर की साइड बच रहा है, और भी सामान में रख सकती हूँ। तो चलिए फटाफट से 1 बाय 1 सारी बास्केट्स को देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी ये बास्केट्स हैं। फर्स्ट जो ये है इसमें मैंने सारे ऐसे कपड़े रखे हैं जो कि मुझे आयन करने हैं या आयन पे देने हैं, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं फिर वो पता नहीं चलता है। सो ऐसे मैंने एक प्रॉपरली एक अलग से बास्केट रखी है अल्मीरा में, कि जब भी मुझे लगेगा कि यार ये आयन के लिए रखना है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। एंड नेक्स्ट जो है इसके अंदर नॉर्मली मेरे टॉप्स है, जो नॉर्मल जो मैं पहनती हूँ, नीचे जा रही हूँ, सब्जी लेने जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, आसपास में वॉक करने जा रही हूँ, तो इस तरह के टॉप्स या फिर जो बोल सकते हैं जैगिंग लेगिंग, जो भी मेरे टाइट्स है, वो सारे सब कुछ मैंने इस वाली पर्टिकुलर बास्केट में रखे हुए हैं। एंड नेक्स्ट जो बास्केट है इसमें मैंने अपने वुलन्स रखे हुए हैं, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गई है और थोड़ा थोड़ा मतलब ज़रूरत पड़ने लग गई है अगर आप बाहर वगैरह जाओ तो। पुणे का वेदर वैसे भी थोड़ा ठंडा रहता है, तो जो भी मेरे फुल स्लीव्स के टॉप है या मेरे श्रग है, स्वेट शर्ट है, ये सारे सब कुछ मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं। जब विंटर्स चली जाती है ना तो मैं इनको हटा के अच्छे से पॉलीथीन में और अल्मीरा के पीछे की साइड रख देती हूँ, पीछे शेल्फ में पीछे की साइड। बाकी अभी स्टार्ट हो रहा है तो ये मैंने इस तरह से बास्केट में रख दिए हैं, और उसके बाद भी देखो इतनी स्पेस बची है कि मैं छोटी बास्केट्स को आगे रख सकती हूँ इजीली। एंड ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने इस मतलब जितने भी इस वीडियो में आपको ऑर्गेनाइज़र दिख रहे हैं ना, सब मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, और ऑलमोस्ट मुझे इनको यूज़ करते हुए 1 ईयर से ऊपर हो गया है। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, तो लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको मंगवाने हैं आप चाहते हो तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। सो इस तरह के 4 ऑर्गेनाइज़र हैं, 3 मैंने यहाँ रखे हैं, एक पास वाली सेक्शन में रखा है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉपरली नज़र आते हैं कि क्या रखा हुआ है, आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे दोनों में मैंने अपनी कुर्तीज़ जो दुपट्टा वाले सेट्स है वो रखे हुए हैं, एक में जो राइट साइड में है इसमें सारे ऐसे सूट्स हैं जो दुपट्टा के साथ है, दुपट्टा और पैंट वाला सेट है, नॉर्मल जो कॉटन के हम डेली में पहनते हैं उस तरह के हैं। और ये जो पास में आप देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ी बेटर क्वालिटी वाले हैं, थोड़े से
एम्ब्रॉयडरी वाले, थोड़े स्टाइलिश वाले, तो वो ये सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। कुर्तीज़ है ये नॉर्मली, तो जो भी इंडियन मुझे कुछ पहनना हो कुर्ती वुर्ती से रिलेटेड, वो दोनों मैंने इसके साथ रखे हुए हैं और विजिबल है, इजीली मैं निकाल सकती हूँ इनको। एंड यस, यहाँ ये एक मैंने छोटी सी एक बास्केट रखी, इसमें मेरे बेल्ट्स का कलेक्शन है। इसमें तीन ही अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, दो तीन मेरे आई थिंक पास वाले रूम में रखे हुए हैं जिसमें मैं शूट वगैरह करती हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ लेके जाना हो तो मैं यहाँ से लेके चली जाती हूँ। सो बेसिकली थर्ड वाला जो है इसके अंदर मैंने अपनी डेनिम्स रखी हुई है, तो ये भी विजिबल है कौन से कलर की डेनिम लेनी है, ईजिली निकाल सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं थे। और इस वाले बास्केट में मैंने अपने बेल्ट्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये एक छोटी सी बास्केट मैंने रखी जिसमें मेरे फेस टॉवल है, फेस वगैरह पहुँचने के लिए। सो ये सेक्शन मैंने अलग से बना लिया क्योंकि ये हर दो दिन में चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ से मैं अपने टॉवल्स चेंज कर लेती हूँ ईज़िली। एंड ये पीछे मैंने एक और इस तरह की बास्केट रखी है जो मुझे आई थिंक सर्फ एक्सेल के साथ फ्री आई थी, कुछ ऐसे ही था। तो इसके अंदर मेरे जो भी एक्स्ट्रा के अंडरगारमेंट्स है जो नए हैं, अभी पहने नहीं हैं, एक्स्ट्रा के आए हुए हैं, क्लोविया हॉल्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा स्टफ है अंडरगारमेंट से रिलेटेड, वो मैंने पीछे रखा हुआ है, पीछे उस शेल्फ के अंदर। सो प्रॉपरली ये दो सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं ये जो पुल आउट बास्केट्स आप देख रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट 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 पार्ट ऑफ दिस अलमीरा। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कम्फर्ट है, लाइक इतना ईजी होता है ना इनको लाइक हैंडल करना, क्योंकि जस्ट नॉर्मली आपको इस तरह से पुल करना है और जैसे नॉर्मल हमारी ड्रॉवर्स होती है ना वैसे ही ये काम करती है। तो सिर्फ आपको इस तरह से पुल करना है और अपना सामान निकालिए। डेप्थ आप देखो, इतनी अच्छी डेप्थ है ना कि आप इनफैक्ट एक बास्केट में काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। सो जो फर्स्ट बास्केट है इसके अंदर मैंने रखे हैं अपने सारे नाइट सूट्स, कॉटन नाइटीज़ वगैरह, क्योंकि घर में मैं यही पहनती हूँ और मुझे ईजी रहता है, फटाफट से नहा के आए, खोला, देखा क्या पहनना है और मतलब ईजी। बास्केट्स वगैरह से ढूंढ के निकालने से अच्छा मुझे ये पुल आउट बास्केट से ढूंढ के निकालना इजी लगता है। सो यू कैन इमेजिन लाइक इस एक बास्केट में मेरे आराम से 13 से 15 नाइट सूट्स इजीली आ जाएंगे, इतना स्पेस है। वीडियो में आपको इतना स्पेस नज़र नहीं आएगा बट काफ़ी अच्छा स्पेशियस है ये, अच्छे से समेट के रखो ना तो काफ़ी सामान आ जाता है। सो यस, इस तरह से सारे नाइट सूट नाइटीज़ वगैरह मेरी ये फर्स्ट बास्केट में है। दो इतनी ऑर्गेनाइज मेरी हमेशा नहीं रहती है, ये अभी मैंने क्लीन किया था दिवाली के टाइम पे, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है, अदरवाइज इतनी ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। सो प्रॉपरली बट रहता सब कुछ, जो जिसका सेक्शन है उसी में सब कुछ सामान रहेगा, बट वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके भी रख देती हूँ कभी कभी मैं। एंड जो नेक्स्ट बास्केट है इसमें मेरे सारे टॉप्स है जो कि मैं बाहर लाइक आउटिंग पे जा रहे हो, मूवी जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, वहाँ पे पहन के जाने वाले हैं। जो ऊपर आपको एक बास्केट बताई थी उसमें नॉर्मल टॉप्स थे जो हम नॉर्मली बाहर सब्जी वब्जी लेने या मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो पहने, ये थोड़े अच्छे वाले टॉप्स हैं, स्टाइलिश टॉप्स हैं। तो टॉप्स भी इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, 15 टॉप्स ईजिली आ जाएंगे। सो प्रॉपरली इस तरह से छोटे छोटे से फोल्ड करके मैंने रखे हुए हैं, तो अच्छे से ये 15 टॉप्स इसके अंदर आराम से आ गए हैं। तो ये है मेरे टॉप का सेक्शन। इसके नीचे वाली जो बास्केट है इसमें मैंने रखे हैं अपने दुपट्टास और जो भी मेरे एक्स्ट्रा के ट्राउज़र्स हैं या फिर प्लाजोज वगैरह है, लेगिंग्स वगैरह है, इसका ये पूरा सेक्शन है। तो दुपट्टा वगैरह मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट जो सूट के साथ दुपट्टा थे हैवी सूट्स के साथ, वो मैंने उनके साथ ही हैंग करके रख दिए थे। बाकी जो नॉर्मली एक होता ना वाइट, रेड या गोल्डन कलर का दुपट्टा, वो चाहिए होता है, बस उतना ही एक्स्ट्रा है मेरे पास। और बाकी ये मेरे प्लाजोज़ है डिफरेंट डिफरेंट, और उसके बाद ये प्लाजोज़ को मैंने इस तरह से समेट के साइड में रखे हैं क्योंकि इनमें सल गिर जाते हैं, तो बेटर है कि जो प्रॉपरली लगता है कि आपको क्रीज आ जाएगी, तो उनको मैंने ऐसे समेट के अलग से रख दिए। और बाकी पीछे की साइड यहाँ पे मेरी कुछ बेबी डॉल ड्रेसेस हैं जो नाइटीज़ वगैरह हम बोल सकते हैं, वो है। और ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर ये सारी मेरी लेगिंग्स है कलरफुल, जो भी आपको राउंड राउंड करके रख रही है, तो पैंट्स, लेगिंग्स सारा सब कुछ इधर है। तो जो भी कुर्ती मैं पहन रही हूँ इजी रहता है मुझे, कलर देख के मैं पिक कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने राउंड राउंड फोल्ड करके रख दी क्योंकि इनमें सल वल गिरते नहीं है, और गिरे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा मेरा लेगिंग, ट्राउज़र, दुपट्टे वाला सेक्शन है। और ये मैंने एक ज़िवामे का नाइट सूट मंगाया था, तो उसके साथ मुझे इस तरह की ना ये आई थी, क्या बोलेंगे इनको, जो भी है। तो इसके अंदर ना मेरे सॉक्स हैं, एक्स्ट्रा के सॉक्स मैंने एक के अंदर रखे हुए हैं, और एक में मेरे जो मुझे थोड़ा सन से प्रॉब्लम है हैंड पे, तो हाथों वाले ग्लव्स वगैरह जो भी मेरा अलग सा जो एक होता है ना अलग सा सामान जो रहता है, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ है कुछ सामान, तो मैं इनको देख लेती हूँ, उनमें मुझे मिल भी जाता है। नेक्स्ट जो बास्केट है इसमें है सारी मेरी वन पीस ड्रेसेस,
और यार ये बहुत ओवरफ्लो हो रही है, बाहर ही नहीं आ रही थी ये बास्केट, इसमें बहुत सारी ड्रेसेस हैं। सो बेसिकली ऑलमोस्ट ड्रेसेस ऐसी है जो कि लाइक सलवल गिरे तो प्रॉब्लम नहीं आती, वो होता ना शिफोन वाला फैब्रिक है, जॉर्जेट वाला फैब्रिक, वो वाला है। तो इस तरह से मैंने जो भी वो वैसे वाले फैब्रिक है उनको पीछे की साइड रखा है, और जो प्रॉपरली पार्टी वियर ड्रेसेस है, जो स्कर्ट्स वगैरह है जो लगता है कि सलवल आ जाएंगे, या वैसे भी यार पहनते हैं तो एक बार आयरन करनी ही पड़ती है इनको, कॉटन की स्टफ्स को। तो सो इस तरह से इसमें मेरी सारी वन पीसेस ड्रेसेस हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन चार बास्केट में मेरा इतना सारा सामान आ गया है। सो ये है कुछ नेक्स्ट सेक्शन, ये है मेरा हैंडबैग का, क्लचेस वगैरह जो भी है वो सब कुछ मैंने इस प्रॉपरली सेक्शन में रखे हैं। सो पीछे की साइड मैंने सारे मेरे जो बड़े हैंडबैग्स है वो रखे हैं। इनफैक्ट इन बड़े हैंडबैग्स में भी छोटे स्लिंग बैग भी डाले हुए हैं, क्योंकि स्पेस यार इतना, लाइक हम लोगों को वीडियो वगैरह बनाना होता है तो इतना सारा सामान लगता है। सो इस तरह से हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्प्ले करके रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इनके अंदर ऑलमोस्ट आपको सब में छोटे छोटे क्लचेस या पार्टी वियर क्लचेस होते हैं ना, छोटे स्लिंग बैग वो रखे हुए हैं अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ एक यहाँ पे खोल के, सो यू कैन सी लाइक अंदर एक और आपको येलो कलर का बैग नज़र आ रहा होगा। सो इस तरह से सारे सब कुछ रखा हुआ है। और नेक्स्ट आगे की साइड में यहाँ पे स्लिंग बैग्स है छोटे, ये दो क्लचेस मैंने यहाँ पे साइड में आगे ही निकाल के रखे हैं, क्योंकि मैं अभी कल गई थी शरद पूर्णिमा के फंक्शन में तो लेके गई थी। एंड ये कुछ स्लिंग बैग है, दो स्लिंग बैग मैंने बाहर ही निकाल के रखे हैं, वो डेली में यूज़ आते हैं, वो यहाँ पे नहीं रखे हैं। और ये एक बास्केट मैंने यहाँ पे रखी है, इसके अंदर मेरे वॉलेट है, और जो पोटलीज वगैरह होती है ना, या हम साड़ी वगैरह कभी पहन रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ पे आप मोबाइल कैरी नहीं कर सकते हो, तो साड़ी में हैंग करने वाले जो मोबाइल कवर वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसके अंदर रखे हैं। सो ये है मेरा हैंडबैग का कंपार्टमेंट पूरा। उसके नीचे की साइड है लहंगा ब्लाउज़ एंड पेटीकोट्स वाला सेक्शन। सो इसमें मैंने इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र लाके रखे हैं, ताकि ब्लाउज़ वगैरह क्या है कि इधर उधर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैसी लगता है उनसे पूरी अलमीरा। सो प्रॉपरली आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे ना, तो स्पेस भी कम जाती है और लगते भी अच्छे हैं, और इजीली मिल भी जाते हैं जब ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये पीछे पूरे मेरे लहंगा, और सिर्फ लहंगा है इसके अंदर, बाकी साड़ीज़ वगैरह अलग से मैंने रखी है। तो जो भी मेरे पास 3-4 तरह के लहंगाज है वो सारे सब कुछ मैंने समेट के इसके अंदर रख दिए। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइज़र है ये, और इसके अंदर मेरे जो भी टमी टकर है, मेरा जो पेटीकोट है, जो मेरा शेप वियर है, वो सब कुछ मैंने इसके साथ रखा हुआ है। और नेक्स्ट जो है ये है ब्लाउज़ वाला। सो बेसिकली मुझे इसमें भी क्रीम कलर चाहिए था, बट मुझे मिला नहीं, और क्वालिटी इसकी प्रॉपर्ली अच्छी थी बट कलर अच्छा नहीं था, बट मैंने यही ले लिया फिर। तो ये पर्पल कलर में जो ऊपर आप देख रहे हो, ये ब्लाउज़ है इसके अंदर मेरे सारे। तो इस तरह से हो चुकी है एक सेक्शन जो मेरी अलमीरा का था, ये पूरा से कवर। सो आपको एक प्रॉपर लुक भी दे देती हूँ, ये ऑर्गेनाइज़ करने के बाद प्रॉपरली इसका लुक ऐसा था। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सेटिस्फैक्ट्री था, और काफ़ी लोगों को ये नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको प्रॉपरली और भी अरेंज करके रखना अच्छा लगता है, बट मेरे से इतना ही पॉसिबल होता है, और जितना पॉसिबल होता है मैं उतना ही करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा वो कुछ भी। सो ये है कुछ प्रॉपरली एक सेक्शन। इसके पास में एक अलग से सेक्शन है, ये भी इसी का ही है, मतलब पैक्स वार्डरोब का ही सेक्शन है। सो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ अभी। सो ये है पैक्स वार्डरोब का सेकेंड सेक्शन। सो बहुत सारी बास्केट आपको नज़र आ रही होगी वाइट कलर वाली, बिकॉज आई लव दीज बास्केट्स, और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी थी, स्पेशियस थी, और ऑर्गेनाइज तो अच्छे से होता ही है इन बास्केट्स के थ्रू। सो ये सेक्शन है, अगर मैं आपको डिटेल से बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रॉपरली इस वाले सेक्शन में मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के जितने भी कपड़े हैं वो सब कुछ मैंने अरेंज करके रखे हैं। कुछ हाउस होल्ड थिंग्स भी है, लाइक डॉक्यूमेंट फाइल है, गैजेट्स वगैरह के जो एक्स्ट्रा चार्जर वगैरह होते हैं वो सब कुछ इधर साइड में रखा है। सो यस, ये है कुछ ओवरऑल लुक। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको हेल्प ज़रूर से मिली होगी कि किस तरह से आप अपनी वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। सो यस, इन जितनी भी बास्केट, जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, दिखाए हैं आपको, और जो भी ऑनलाइन मैंने बाय किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं आपको दे दूँगी, और जो ऑफलाइन किए हैं वो तो मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊँगी। सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो या अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर से करो इसको, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा गाइस। सो या मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।